दोस्तों, अक्सर हमें ये लगता है कि हमें अपने सपने को पाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, या फिर हम क्रिकेटर तो बनना चाहते हैं पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आज भी कोई सपोर्ट करे ना तो हम एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएंगे। और कई को तो ये भी लगता है कि क्रिकेट में सिर्फ बड़े लोग ही सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आज भारत में जो बड़े लेवल पर खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें से सभी नेता और बिजनेसमैन के ही बेटे हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो आप सच में एक बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। एक सवाल और जो हमें अक्सर तंग किया करती है कि क्रिकेटर बनने में कितने पैसे लगते हैं। और काफी सारे कमेंट हमने ऐसे भी पढ़े हैं जिसमें लोगों ने हमें बताया है कि क्रिकेटर बनने में 10 से 20 लाख रुपए लगते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इसके लिए बस आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। और आपको बता दें कि आज की वीडियो में आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे भी आप लोग करते नहीं हो, बस वीडियो देख करके साइड से निकल जाते हो। लेकिन फिर भी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे दो लाइनें कहना चाहूंगा। औरों की बताई गई राहों पे हम गुमराह नहीं होते, मंजिल मेरी खुद की है और हम पाएंगे एक दिन। अब हम इसको लेकर कभी बेपरवाह नहीं होते कि औरों की बताई गई राहों पे हम गुमराह नहीं होते, मंजिल मेरी खुद की है और हम पाएंगे एक दिन। इसको लेकर कभी हम बेपरवाह नहीं होते। मैंने चाहा कि हर अपना हमें साथ दे, पर मजबूरियां ऐसी है कि मेरे अपने हमराह नहीं होते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ खिलाड़ियों की कहानी बताना चाहूंगा, और मेरा यकीन मानो कि वो खिलाड़ी आपके और इंडिया के फेवरेट क्रिकेटरों में से एक है। उन सभी खिलाड़ियों ने अपने काबिलियत के दम पे जीरो से हीरो बनकर के दिखाया है। सबसे पहले तो हम जानते हैं भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा के बारे में। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि रोहित शर्मा के पास बहुत पैसे थे इसीलिए वो क्रिकेटर बन गए, या फिर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था जिसकी वजह से वो क्रिकेटर बन गए? दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता भी है ना तो वो खिलाड़ी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। खैर, अभी हम लोग रोहित शर्मा के बारे में जानते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के पिता नागपुर में ट्रांसपोर्ट फार्म हाउस में काम किया करते थे, और उनके पिता की कम आमदनी होने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट में कदम बढ़ाने का फैसला किया। पिताजी घर की जिम्मेदारियों के तले दबे हुए थे, फिर भी उनके चाचा ने उन्हें एक एकेडमी में एडमिशन करवाया। यहाँ तक कि उनको स्कूल के फी तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी उनके कोच ने स्कॉलरशिप दिला करके उन्हें स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई। अब आप कहोगे कि हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता तो हम कैसे क्रिकेटर बन पाएंगे, राइट? तो सुनिए, क्या आपको पता है कि आपके आसपास के लोग या आपके पेरेंट्स या आपके कोच आपको सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास ऐसा है ही क्या जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट करें? आप खुद सोचिए ना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एक मैच में 2 शतक बना दो या एक मैच में 10 विकेट लेकर के दिखाओ, तो क्या आप कर पाएंगे ऐसा? नहीं ना। दोस्त, शतक तो सब मार रहा है, तो क्या कोच सबको सपोर्ट करने लगे? सच बताऊं तो कोच की नजरों में आने के लिए ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए, तभी आप अपने कोच और अपने पेरेंट्स की नजरों में बेहतर बन पाओगे। सच बताऊं ना तो कोच क्या, आजकल सभी व्यक्ति सिर्फ बढ़िया चीजों में ही अपना टाइम देना चाहता है, और किसी भी कोच के पास इतना फ्री का टाइम नहीं होता कि वो जैसे तैसे खिलाड़ियों के पास अपना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले आप खुद को बेहतर बनाओ, उसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े वो करो। एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट ही ये होता है, उन्हें स्पोर्ट्स या अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ उमेश यादव के रूप में। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला एक मिडिल क्लास का लड़का, जिनके पिता कोयले के खान में काम किया करते थे, तब सोचो वो कैसे इस लेवल पर पहुंचे। आप खुद सोचो कि जिनके पिता के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उनके पिता तो घर का खर्च भी जैसे तैसे करके उठाया करते थे, तो वो लड़का इतने बड़े लेवल पे कैसे खेल सकता है? क्या उनके पास भी पॉलिटिकल सपोर्ट था या उनके पास ढेर सारे पैसे थे? नहीं ना। दोस्त, आपको बता दें कि उमेश यादव ने तो 19 साल के बाद क्रिकेट में करियर बनाने का सिर्फ सोचा ही था। जहां तक आते आते आजकल के बच्चे हार मान जाते हैं, उन्होंने वहां से करियर की शुरुआत ही की थी। पर पता है आपको कि उमेश यादव इतने देर से शुरुआत करने के बावजूद भी इतने बड़े मंच पर सफल कैसे हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि उनको कब, कितना, कहाँ और कैसे मेहनत करना है। उनके अंदर बचपन से ही क्रिकेट का टैलेंट नहीं था,
उन्होंने वो रात और दिन एक करके अपने अंदर टैलेंट पैदा किया था। और कभी अगर टाइम मिले तो उमेश यादव के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उमेश यादव की कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी। और दोस्तों उसी तरह एक कहानी मोहम्मद सिराज के भी है, जिनके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे और वही सिराज आज इंडिया के खतरनाक बॉलरों में से एक है। दोस्तों अगर मैं आपको खिलाड़ी गिनाने बैठ जाऊँ ना तो मैं आपको कई ऐसे प्लेयर गिना दूंगा जो पैसे के अभाव में अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब प्लेयर गिनाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि आप अभी जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से बाहर निकलकर अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और हाँ, जो मुझे ये बार बार मैसेज करते हैं ना कि क्रिकेटर बनने में लाखों रुपये लगते हैं, तो मैं उनका जवाब भी देना चाहूँगा कि ये सच है कि क्रिकेटर बनने में लाखों रुपये लगते हैं, लेकिन कब, जब आप एक क्रिकेटर बनने के काबिल नहीं हो। दोस्तों जब आप एक क्रिकेटर बनने के काबिल नहीं रहोगे ना तो आपसे पैसे लिए जाएंगे, क्योंकि जब आप एक क्रिकेटर बनने के काबिल नहीं हैं और फिर भी आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के बहकावे में आकर आप जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और उन अधिकारियों का पैकेट गर्म कर देते हैं और फिर आपको एक दो मैच के बाद यह कहकर निकाल दिया जाता है कि आपका प्रदर्शन सही नहीं है। और इसी तरह से एक बिना टैलेंट वाला खिलाड़ी टैलेंटेड खिलाड़ियों का मनोबल गिराते हैं। और मुझे शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पर जो क्रिकेट को एक धंधा बनाकर बैठे हैं। लेकिन कब तक, अगर आप में प्रतिभा है तो मेरा यकीन कीजिए कि आपको मौका जरूर मिलेगा। आप खुद पर भरोसा रखिए और अगर आपसे कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में सिलेक्शन के लिए पैसे मांगे जाए तो सबसे पहले आप एक बार सोच लीजिए कि मैं जिस टीम में खेलने के लिए पैसे दे रहा हूँ उस टीम में खेलने के काबिल हूँ भी या नहीं। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि क्रिकेटर हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेटर कोई भी बन सकता है। खैर कोई नहीं, आप अपनी मंजिल को सब कुछ मानकर चलते रहिए, या तो आपको मंजिल मिलेगी या तो सीख मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप में काबिलियत होगी तो आप पैसे कमा करके भी उस ड्रीम को पूरा कर लोगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा सोचिए मत, बस आप मेहनत करते रहिए और अपने इरादों पे अड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो मैदान में खड़े रहते हैं और अपने इरादों पे अड़े रहते हैं। तो दोस्तों बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने आप को डेली मोटिवेट रखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं आप लोगों के लिए डेली मोटिवेशनल पोस्ट और रील डालता रहता हूँ, जिसकी मदद से आप खुद को डेली मोटिवेट रख पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। घर वाले हर रोज बोलते हैं हमें कि बंद कर तेरा ये क्रिकेट विकेट, क्या रखा है इसमें, ये सिर्फ बेमतलब की ही तो चीजें हैं। अब कौन समझाए उन्हें कि मैं क्रिकेट मतलब के लिए नहीं, अपनी खुशी और सुकून के लिए खेलता हूँ। मिला हूँ अब जो तुमसे दिल को मेरे।